नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। मोदी कैबिनेट के विस्तार में किस किस को मिलेगा मंत्री बनने का मौका? बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए पीएम मोदी और ममता बनर्जी को कितने किलो आम भेजे? आज से चित्रकूट में संघ प्रमुख करेंगे मंथन। और नापाक ड्रोन से निपटने के लिए जम्मू पुलिस ने क्या पहल की है? देश की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, रीता बहुगुणा, सर्वानंद सोनोवाल, नामंग्याल और दिलीप घोष को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मोदी कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उपहार के रूप में 2600 किलोग्राम आम भेजे हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर जिले में उगने वाले हरिभंगा किस्म के आमों को बेनापोल चेक पोस्ट के जरिए से भारत भेजा गया है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत आज से 7 दिन के दौरे के लिए चित्रकूट पहुंच रहे हैं। भागवत यहां आरएसएस की 8 जुलाई से होने वाली 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख 10 और 11 जुलाई को प्रांत प्रचारकों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में जांच टीम ने सोमवार को इटावा में एक ठेकेदार के घर छापेमारी की। छापेमारी के बाद टीम ने आवास विकास के एक मकान को सील कर दिया। इटावा के अलावा भी कई दूसरे राज्य के कई शहरों में भी छापे मारे गए। सीबीआई ने इस मामले में दूसरा केस दर्ज कर 189 अधिकारियों और ठेकेदारों को नामजद आरोपी बताया है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग ने परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित इनपुट इकट्ठा करने के लिए आज से 9 जुलाई तक केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने का फैसला किया है। आयोग अपनी यात्रा के दौरान 20 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात करेगा। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रोन के बारे में जागरूक किया। पुलिस के मुताबिक इस कवायद का मकसद है कि अगर कोई ड्रोन जैसी कोई चीज दिखे तो पुलिस को तुरंत सूचना दे सकता है। लोगों ने भी पुलिस की इस पहल की तारीफ की है। दिल्ली में कार चोरी मामले में कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को कार चोरी मामले के आरोपी शौकत अहमद के मोबाइल से 3 आतंकियों और 1 ड्रोन की तस्वीर मिली है। पुलिस अब इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर ये तस्वीर किसकी है और शौकत ने इसे मोबाइल में क्यों रखा हुआ है। शौकत कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। मुंबई में DRI ने ड्रग्स तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नावा सेवा पोर्ट से 293 किलो से ज्यादा की हीरोइन जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई हीरोइन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब से एक और मध्य प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का मशहूर गुलाबी पत्थर अब अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की शोभा बनने जा रहा है। सोमवार को जिले के DM ने पत्थर की पहली खेप को मिर्जापुर से अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए करीब 19,000 पत्थर अयोध्या भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गुपकार की पहली बैठक में हुआ मंथन। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने के लिए आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सीएम कैप्टन। और महाराष्ट्र के निलंबित विधायकों ने क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात। तमाम बड़ी सियासी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राजनीति में। पिछले महीने हुई पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के गुपकार नेताओं ने सोमवार को पहली बार बैठक की। इस दौरान सियासी कैदियों की रिहाई और भरोसा कायम करने वाले कदम उठाने को लेकर कुछ नहीं कहने पर असंतोष जाहिर किया गया। PAGD ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद ही विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पार्टी की आंतरिक कलह को सुलझाने की दिशा में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले सिद्धू 30 जून को राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर चुके हैं। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी विवाद नहीं थम रहा है। हुड्डा समर्थक विधायकों ने सोमवार को संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात कर कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों और नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी से मिलने का समय मांगेंगे। बिहार में कांग्रेस के करीब 30 नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य के सियासी हालात और नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जाएगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी राज्य को लेकर अपनी रिपोर्ट पहले ही कांग्रेस हाईकमान को सौंप चुके हैं। सभी कांग्रेस नेता दिल्ली के लिए आज रवाना होंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के शासन के ईवीएम अलग अलग है। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराने की बीजेपी की जिद पर भी सवाल उठाए हैं। कमलनाथ इससे पहले भी कई बार ईवीएम पर शक जता चुके हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दावों और वादों का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पर्सनल सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है कि एसपी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे प्रदेश में दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए एनएचआरसी की टीम आज से 8 जुलाई तक मालदा और मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और पीड़ितों से बात करेगी। इसके बाद टीम रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट को सौंपेगी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सदन में ओबीसी और मराठा आरक्षण को लेकर हंगामे के आसार है। पहले दिन सोमवार को सदन में बदसलूकी करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को झूठा करार दिया है। AIMIM ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने वाले 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासन की कार्यवाही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने गाइडलाइन जारी कर गैर बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने के निर्देश दिए थे। देश में कहां कहां पर भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, उधम सिंह नगर में क्यों हुई सरेआम फायरिंग और कहां पर CISF के सब इंस्पेक्टर ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली, तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। जहां नदियां नाले उफान पर है, सड़कें समंदर बनी हुई है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डाल नाला पार करने को मजबूर है। पानी के तेज बहाव के कारण दोनों तरफ से आवाजाही प्रभावित है। बद इंतजामी के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी किनारे बसे लोगों के घरों में सरयू का पानी कहर मचा रहा है। कटाव तेज होने से नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की हजारों बीघा जमीन तबाह हो चुकी है, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के जिले उधम सिंह नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पिछले 2 दिनों में 2 जगहों पर बदमाशों ने फायरिंग की। दोनों घटनाएं कैमरे में कैद हो गई। अभय गुप्ता नाम के व्यापारी के बेकरी पर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके बाद अगले दिन बदमाशों ने व्यापारी के घर पर भी फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ग्वालियर से एक कार सवार युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वारदात अचलेश्वर मंदिर चौराहे के पास हुई। आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने कार में बैठे युवक पर फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। इस गोलीकांड का CCTV सामने आया है, जिसमें बदमाश कार में तोड़फोड़ और युवक पर फायरिंग करते साफ नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में सिलेंडर लीक होने से एक घर में भीषण आग लग गई। पूरा घर धू धू करके जलने लगा। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर है। दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय महिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का मुआयना किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ वाराणसी में विकास कार्यों के लेकर समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए शिवराज सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। इस अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी भी आज मिल सकती है। राज्य में 6,876 अवैध कॉलोनियां नियमित करने के लिए विधायक को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां ग्वालियर में है। ग्रेटर नोएडा के NTPC सोसाइटी से CISF के सब इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों के शव फ्लैट में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक SI ने पहले पत्नी के मुंह पर तकिया रखकर उसे मौत के घाट उतारा और फिर अपनी भी जान ले ली। मामला पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली को फिलहाल तपती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में पिछले 15 साल में इस बार मानसून सबसे देरी से दस्तक देगा। मानसून विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत बारिश के लिए तरस रहे राजस्थान पंजाब के साथ उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में मानसून 10 जुलाई तक पहुंचेगा। वहीं इस वक्त दिल्ली गर्मी से तप रही है। 9 साल में पहली बार राजधानी में जुलाई में इतनी गर्मी पड़ी है। क्या कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने ही आ सकती है, ये बड़ा सवाल। कोरोना काल में मिडिल क्लास पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ा, देश में कोरोना के कितने मामले सामने आए और पहाड़ों में बढ़ रही भीड़ ने कोरोना संक्रमण खतरा क्यों बढ़ाया, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग।
भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि अगले महीने देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जबकि सितंबर में महामारी की तीसरी लहर चरम पर पहुंच सकती है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण ही तीसरी लहर से एकमात्र बचाव कर सकता है। तीसरी लहर के पीक के दौरान दूसरी लहर के पीक के दौरान के मुकाबले करीब 1.7 गुना मामले ज्यादा हो सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 34,017 नए केस आए, वहीं एक दिन में 51,808 मरीज रिकवर हो गए। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस अब 4,58,000 रह गए हैं, जबकि 24 घंटे में महामारी ने 552 लोगों की जान ले ली। कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इससे परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ा है। कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी 1/4 रह गई है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी की दूसरी लहर के कारण कर्ज चालू वित्त वर्ष में और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2018 के बीच 4 सालों में परिवार पर कर्ज स्तर का 7.20% ऊंचा हुआ है। कोरोना की पाबंदियों में छूट मिलते ही घरों में कैद रहने वाले लोग भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इस दौर की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दिनों काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। बंदिशें हटते ही यहां आने वाले रास्तों में भी लोगों की गाड़ियों की कतारें लग गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के अलावा शिमला में भी इन दिनों पैर रखने की जगह नहीं है। कई लोग तो बिना मास्क के भी नजर आए। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद पिछले एक महीने में 6 से 7 लाख पर्यटक शिमला घूमने आ चुके हैं। पर्यटकों का कहना है कि पता नहीं कब कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, उससे पहले वो घूमने आ गए। दिल्ली में पाबंदियों में छूट मिलते ही लोग लापरवाह होने लगे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर लाजपत मार्केट पर बंदी की गाज गिरी है। कोरोना से बेपरवाह भीड़ को देखते हुए चेतावनी के तौर पर आज एक दिन के लिए मार्केट बंद रखने का आदेश है। इससे पहले भी कई और बाजार और दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। कोरोना के केस कम होने और पाबंदियों में दी गई छूट के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटन सेक्टर को मंदी की मार से उबारने के लिए गांदरबल में राफ्टिंग फिर से शुरू किया गया है। राज्य पर्यटन विभाग का कहना है कि लोगों को परिवार चलाने के लिए रोजगार मिलना भी जरूरी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर जन्मदिन की पार्टी मना रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार सिटी के CO ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा केक काटा जा रहा है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी काशगंज और एक आरोपी दिल्ली का है। कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग नोएडा के एक फार्म हाउस में पूल पार्टी कर रहे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल ऐसी पार्टियों पर रोक है। हालांकि यूपी में सोमवार से जिम और मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को स्कूलों को क्यों नहीं है खोलने का मन? बिहार की नीतीश सरकार ने स्कूलों को खोलने पर क्या फैसला किया और CBSE ने 10वीं और 12वीं के नए सेशन को लेकर सिलेबस की कैसी रूपरेखा तैयार की? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 महामारी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण ही वो स्कूल खोलने का फैसला नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में स्कूलों को ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने के आदेश दिए हैं। शिवराज ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही वो स्कूल खोलने पर विचार कर सकते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की तपती रफ्तार के बीच CM नीतीश कुमार ने राज्य में लगी पाबंदियों में अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है। कल से बिहार में सभी कॉलेज और 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलेंगे। इसके साथ सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया। टीका लगा चुके लोगों को ही ऑफिस जाने की इजाजत होगी। कोरोना की वजह से CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में कराई जाएंगी। CBSE ने इस साल के एकेडमिक सेशन को 2 हिस्सों में बांटा है। नवंबर दिसंबर में पहले, मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म के एग्जाम होंगे। दोनों टर्म के आधार पर मार्कशीट तैयार होगी। कोरोना काल में बच्चों के अभिभावक स्कूल की फीस को लेकर परेशान हैं, लेकिन मुंबई के मलाड मालवानी की होली स्टार इंग्लिश स्कूल ने दरियादली दिखाते हुए मिसाल पेश की है। स्कूल के मालिक ने न सिर्फ 65% स्टूडेंट की पूरे साल भर की फीस माफ कर दी, बल्कि जरूरतमंद अभिभावकों को राशन किट भी मुहैया कराया। हालांकि इसके लिए स्कूल के मालिक हुसैन शेख को अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े हैं। देश में वैक्सीनेशन की कुल डोज का आंकड़ा 35,71,00,000 तक पहुंच गया है। सोमवार को शाम 7 बजे तक के मिले आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में 41,34,000 से अधिक डोज लगाए गए। अब 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन भी तेज हो गया है। अब तक इस आयु वर्ग के 10,55,00,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वैक्सीनेशन सेंटर टीके की किल्लत को लेकर लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोगों में से एक ने बताया कि उसको दूसरी डोज लगनी थी, वो 4 बार टीका सेंटर पर आ चुका है लेकिन हर बार उन्हें टीका नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। सेंटर संचालक ने कहा कि स्टॉक आने पर टीकाकरण शुरू होगा। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में पिछले 24 घंटे में पिछले साल 15 अप्रैल के बाद सबसे कम नए मामले आए हैं। दिल्ली में कल सिर्फ 54 नए मरीज मिले जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 912 हो गई है। उधर यूपी में कल 118 नए केस मिले। 24 घंटे में महामारी से 6 लोगों की मौत हुई। कोरोना पीड़ितों को होने वाली ब्लैक फंगस की बीमारी के बाद एक और नई बीमारी एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के मामले देखने को मिल रहे हैं। इस नई बीमारी में लोगों के शरीर की हड्डियां गलने लगी हैं। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 से कम उम्र के 3 ऐसे मरीज मिले हैं। नई बीमारी के शिकार तीनों मरीज कोरोना से 2 महीने पहले ठीक हो गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना मृतकों की भस्म का इस्तेमाल खाद्य के रूप में करके उनकी याद में भद्भदा विश्राम घाट में पार्क विकसित किया जाएगा। पार्क को विकसित करने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक पेड़ लगाया। लंदन से एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन को इमरान खान को क्या जवाब मिला है? इंडियन नेवी ने जापान साउथ कोरिया की सेना के साथ कैसे अभ्यास किया और पाकिस्तान में क्यों गिरफ्तार हुआ केबल ऑपरेटर? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। लंदन में रह रहे पाकिस्तान के मुहाजिरों के और एमक्यूएम नेता अल्फाज हुसैन ने पाक पीएम इमरान खान को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि प्रेम करोगे तो प्रेम करेंगे और सितम करोगे तो सितम करेंगे। कुछ दिन पहले इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन पर ड्रोन अटैक की बात कही थी, ये उसी को लेकर दिया जवाब है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में ड्रैगन की चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज एनएस कल्टॉन ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। इस क्षेत्र को लेकर चीन का अपने पड़ोसियों से तनाव है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरान तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान पीओके में 6 से 16 अगस्त तक कश्मीर प्रीमियर लीग कराकर अमन शांति के प्रयासों का दिखावा करने जा रहा है। इस लीग में दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय चैनल प्रसारित करने के आरोप में पाकिस्तान के केबल ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। केबल ऑपरेटर पर भारतीय चैनलों को प्रसारित करने का आरोप है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेट दानिश कुमार ने लासबिला में हिंगलाज माता मंदिर के विकास के लिए उनकी दी गई योजनाओं को खारिज करने के लिए पाकिस्तान सरकार की आलोचना की है। दानिश ने कहा कि मंदिर में हर साल दुनिया भर से हजारों भक्त आते हैं लेकिन फिर भी उनके सुझावों को खारिज कर दिया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांसीसी और जर्मन नेताओं के साथ एक ऑनलाइन बैठक के दौरान कहा कि चीन सबसे ज्यादा खुद को विकसित करना चाहता है न कि दूसरों को बदले के लिए। उनके मुताबिक बेल्ट एंड रोड पहल का उद्देश्य संयुक्त विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना है। चीन की एक बच्चे की नीति ने वहां के कई परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तबाह कर दिया है। सीएनए में ली होंग सी के मुताबिक चीनी माता पिता के लिए इकलौता बच्चा खोना भावनात्मक तबाही में वित्तीय बर्बादी के रूप में सामने आया है। चीन ने 1980 से 2015 तक जोड़ों को केवल एक बच्चे तक सीमित कर दिया था। पाकिस्तान में पानी के संकट की वजह से अकाल जैसे हालात हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कम बारिश होने की वजह से देश की नदियों के सूखने की कगार पर हैं और देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत ही कम या खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इसी वजह से इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को उनके निर्धारित कक्षा में सोमवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इस उपग्रह का इस्तेमाल 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड से जाने में और देश के मौसम के सटीक भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में काम करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।